हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक्षा। गाइस, ये मैंने सिंपल सा मेकअप लुक किया है। ये मेरा ब्लैक कलर का टॉप है, इसके ऊपर एक मैंने सिंपल सा मेकअप लुक किया है। अगर ये मेरा ये मेकअप लुक आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलो, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, पहले हम यूज़ कर रहे हैं ये कुकुम्बर टोनर। ये एल्प गुडनेस का कुकुम्बर टोनर है। इससे अच्छी तरह से अपने फेस पे स्प्रे करने के बाद इसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व होना ज़रूरी है। इससे आपका पीएच बैलेंस मेंटेन रहता है। गाइज, इसके बाद हम यूज़ करें निविया की सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र क्रीम। इससे क्या होगा कि आपकी फेस से जो मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपकी फेस है जो अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ हो जाएगी तो आपका मेकअप है वो अच्छी तरह से फ्लॉलेस दिखेगा। मैं इसे अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। इसके बाद गाइज, मैं यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का सीरम है। ये बाद गाइज, मैं यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स की फेस ग्लो सीरम। इससे आपकी स्किन अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हो जाएगी। गाइज, ये सीरम आपके चेहरे पे आपके फेस को ग्लो करने में हेल्प करेगा। मैं इसे अच्छी तरह से अप्लाई करके लेती हूँ। इसके बाद गाइज, मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की लिप बाम। ये बहुत अच्छी लिप बाम है। आपके जो आपके लिप से अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करने में ये बहुत अच्छी तरह से हेल्प करता है। इसके बाद मैं गाइज यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की वाटर मेलन जेल। ये वाटर मेलन जेल आपके चेहरे पे एक प्राइमर का काम करेगा। जो जेल होते हैं वो प्राइम अगर आप अप्लाई करोगे प्राइमर की जगह तो भी चलेगा। ये जेल आपके फाउंडेशन आपकी जो पोर्स है उसको मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है। इसके बाद गाइज, मैं यूज़ करी वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन। मेरा शेड है डिजर्ट बज। मैं इसे अच्छी तरह से अपने फेस के लिए लगाने के लिए हैंड्स पे निकाल लूँगी और अपने फेस के ऊपर डॉट डॉट करके लगा लूँगी। बाद गाइज, मैं एक ये ओवल फाउंडेशन ब्रश लूँगी। इससे अच्छी तरह अपने फेस के ऊपर फाउंडेशन है उसे ब्लेंड करके लूँगी। हमें अच्छी तरह से ब्लेंड करना चाहिए, नहीं तो हमारा फाउंडेशन है वो पैची लगने लगेगा। अच्छी तरह से ब्लेंड करने से क्या होता है कि आपका जो फाउंडेशन है अच्छे से फ्लॉलेस लुक क्रिएट करता है, इसीलिए हमें अच्छी तरह से उसे ब्लेंड करके लेना चाहिए। इसके बाद गाइज, मैं यूज़ करी हूँ मेबेलिन की फिट मी कॉम्पैक्ट। मेरा शेड है लाइट बज। मैं इसे अच्छी तरह से अपने फेस को अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँगी। इससे मेरा फाउंडेशन अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और आपका फेस अच्छी तरह से इवन लगने लगेगा। इसके बाद ये मेरी स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट है। इससे मैं अपना आई मेकअप कर लूँगी। मैं एक पीच कलर ले रही हूँ, लाइट पीच कलर है। इससे मैं अपनी जो ब्राउ बोन के नीचे अच्छी तरह से ट्रांजिशन कलर अप्लाई करूँगी, उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। और मेरा एक डिज़ायर कलर मुझे चाहिए, वो अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद हमें एक डिज़ायर कलर मिलेगा। इस कलर को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद गाइज, मैं अब लूँगी ब्राउन कलर। ब्राउन कलर मैं अपने क्रीज के ऊपर अच्छी तरह से बिल्डअप करूँगी, इससे मेरी क्रीज डार्क लगने लगेगी। इसे अच्छी तरह से हम ब्लेंड करके लेंगे। हमें अपना एक डिज़ायर कलर चाहिए, इसीलिए हमें थोड़ा टाइम लेके अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करना चाहिए। मैं अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करके लेती हूँ। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद गाइज, मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर। इसी पैलेट में से एक मैट ब्लैक कलर लूँगी। एक्सेस को हम डैप करेंगे अपने वी है जो आउटर कॉर्नर है उसे अच्छी तरह से ब्लैक कलर से उसे डार्क करूंगी। इसके बाद गाइज, मैं ले रही हूँ ये पीच कलर। मुझे हाफ कलर की अपने आईलिड पे पीच कलर अप्लाई करना है, इसलिए मैं एक फ्लैट ब्रश से अपने आईलिड को अच्छी तरह से हाफ आईलिड को अच्छी तरह से पीच कलर से कवर कर लूँगी। ये मैट कलर है, मैट कलर से अच्छी तरह से अपने हाफ क्रीज को मैं पीच कलर से बिल्डअप कर लूँगी।
इसके बाद गाइज मैं एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ अपने जो कलर है उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके लूँगी। इसके बाद गाइज मैं ये पीच कलर का शिमर ग्लिटर है इससे अपने आईलिट पे अच्छी तरह से अप्लाई करूँगी, तो मुझे एक अच्छा सा पीच कलर का ग्लिटर अपने हाफा क्रीज पे चाहिए, इसीलिए मैं इसे अच्छी तरह से अपने हैंड्स अपने अच्छी तरह से फिंगर से इसे अच्छी तरह से डार्क कर रही हूँ। मैं और थोड़ा लूँगी और अपने दूसरी लिड्स पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद गया गाइज में ये NYB का आईलाइनर है वो अप्लाई करूँगी। मुझे थोड़ी सी विंग्स चाहिए थी इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी अपनी विंग्स निकालूंगी बाहर, अपने आई के बाहर थोड़ी सी विंग्स निकालूंगी, मुझे ज़्यादा बड़ी विंग्स नहीं चाहिए। गाइज मुझे थोड़ा आईलाइनर लगाने में थोड़ी मतलब मेरी प्रैक्टिस नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख जाऊंगी। मैंने अच्छी तरह से अपना आईलाइनर लगा लिया। इसके बाद गाइज मैं ये स्टे क्विकली का बैडस काजल है, बहुत अच्छा काजल है, बहुत अच्छा आपको ये एक वाटरप्रूफ काजल है, अच्छी तरह से स्मच करता है। अच्छी तरह से मैं अपने लोअर लोअर लाइन पे अच्छी तरह से इसको अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के बाद गाइज मैं ये पर्पल का मस्कारा अप्लाई करूँगी अपने आईलैश को अच्छे से इन्हांस दिखाने के लिए, मैं ये पर्पल का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद गाइज मैं इसी पैलेट में से स्विस ब्यूटी के पैलेट में से ब्राउन कलर लूँगी और अपने काजल को अच्छी तरह से स्मच करना है, इससे क्या होगा कि आपका काजल है वो नीचे उतरने नहीं लगेगा। दोनों आईज के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करूँगी मैं। इसी पैलेट में से मैं एक ब्लैक कलर का आई शेडो लूँगी और अपने आउटर जो लोअर लाइन है उसे अच्छे तरह से स्मज करूँगी। दोनों आईज के ऊपर मैं अच्छी तरह से आई शेडो और लोअर लाइन पे लगा स्मज करूँगी। इसके बाद गाइज इन कलर की लिपस्टिक है, गाइज ये मेरी लोकल मार्केट से मैंने परचेस की हुई लिपस्टिक है, मैं अच्छी तरह से अपने ये लिप पर अप्लाई करूँगी। अच्छी तरह से इसको हमें डार्क करके अप्लाई करनी है। इसके बाद गाइज मैंने अच्छी तरह से इसको अप्लाई करने के बाद गाइज मैं अपनी लिपस्टिक को अप्लाई करने के बाद गाइज मैं अपनी हेयर स्टाइल करूँगी। मैंने कॉम से वन साइड बाल निकाल लिए हैं और वन साइड मांग कर ली। उसके बाद मैं गाइज थोड़े थोड़े बाल करके बाल लेके इसे ट्विस्ट करूँगी। ट्विस्ट करने के बाद जो पीछे के बाल है वो पीछे करके मैं जो मेरे बाल है जो ट्विस्ट करके लिए है उसे अच्छी तरह से मैं टिक टैक का जो क्लिप होती है उससे सिक्योर कर लूँगी। अच्छी तरह से हमें टाइट करके अच्छी तरह से हमें टिक टैक पिन से हमें सिक्योर करनी है। इसके बाद गाइज मैं अच्छे से कॉम कर लिया अपने बालों को और जो मेरे वन साइड किया था वो बाल आगे लूँगी। ये हो गया मेरा हेयर स्टाइल। ये मेरा मेकअप लुक आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन बाय।